हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माई सेल्फ हरीश अग्रवाल। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो में करते हैं जो एक्सरसाइज अपनी 6.3 है उसका लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 16, जो कि क्लास 10th के जो एनसीईआरटी मैथ है उससे बेस्ड है। देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन को कि हमें क्या गिवन है। कि एडी एंड पीएम आर मीडियंस, मीडियंस नाम दिया दोस्तों, मीडियंस है, यानी अगर ये एडी इस बीसी का मीडियन है, यानी एडी किसके इक्वल होगा? बीसी के इक्वल होगा। क्लियर है? ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, यानी पीएम मीडियन है, तो यानी क्यूएम इज इक्वल होगा किसके? एमआर के इक्वल होगा। ठीक है, वेयर ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, और हमें ये चीज प्रूव करनी है। करते हैं, पहले हम लिखेंगे कि हमें क्या कुछ गिवन है। गिवन की बात की जाए, क्या है? एडी एंड पीएम्स आर मीडियंस, क्या है? मीडियंस है जी, गिवन है चीज। एंड और हमें क्या गिवन है कि जो ट्रायंगल मेरी एबीसी है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है पी क्यू आर के, ये चीज गिवन है। ठीक है, गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है जिसके अंदर कि ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल होगा ए डी अपॉन पी एम के, ये चीज हमें प्रूव करनी है जी। प्रूव स्टार्ट करते हैं अपना। ठीक है, अगर देखो हमें क्या है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दे रखी है पी क्यू आर के। ठीक है, ये चीज हमें गिवन है। अगर ये चीज गिवन है दोस्तों, दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो है ना, और उनके कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे। बहुत बढ़िया जी, तो उस चीज को लिख देते हैं कि यहां पे जो एंगल ए है वो पी के इक्वल है। बहुत बढ़िया जी, और बताओ बी इक्वल है किसके? क्यू के। हाँ जी बिल्कुल है, और क्या है जी, इसको यहां लिख देते हैं B इक्वल है क्यू के और C इक्वल है R के, है ना, है ना। बहुत बढ़िया जी, इसको दे दिया नंबर 1 नाम इस पूरे को। और क्या है जी, कोरस्पोंडिंग एंगल हो गए। अब कोरस्पोंडिंग साइड के रेशियो बनाते हैं, यानी ए बी पी क्यू के, बिल्कुल जी, ए बी का पी क्यू के साथ, यानी और बी सी का क्यू आर के साथ। बहुत बढ़िया, AC का PR के साथ होगा, है ना। इसको दे दिया जी नंबर 2। क्यों दिया है बताएंगे। अब देखिए AB PQ, यानी AB ये रहा PQ ये रहा। बहुत बढ़िया जी, AD है और PM है। प्रूफ में देखिए AD है और PM है, यानी AD और PM, यानी किस ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे, यानी इस ट्रायंगल की बात हो रही है ना। यानी सबसे पहला काम क्या है कि हमारी पूरी ट्रायंगल सिमिलर है। अब हमें प्रूव करना है कि क्या ये बनने वाली ट्रायंगल्स मेरी ये भी सिमिलर है। कर देंगे जी, तो क्या लेकर चलते हैं दोस्तों कि अब इसी के अंदर से मैंने काम किया छोटा सा। क्या काम किया कि हेयर इसको एक बार रफ करके मैंने क्या किया, अगर देखो जो मेरा AD अगर मीडियन है BC का, यानी ये BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है ना। अगर मैं क्या करूं, इस BC को ऊपर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा ना जी? कोई नहीं पड़ेगा फर्क, है ना। अगर मैं इस BC का हाफ कर दूं, इसका हाफ कर दूं, तो यानी ये BD के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि AD क्या है, मीडियन है ना, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा BD के, बिल्कुल जी। तो यानी AB अपॉन में PQ BC किसके इक्वल हो जाएगा? BD के। बहुत बढ़िया जी, अब QR वही बात यहां पे है। अगर इस QR का मैंने हाफ कर दिया, PM क्या है, मीडियन है, तो इसको मैं QM या फिर DC लिख सकता, क्यू एम या फिर एम आर लिख सकता हूं, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, क्यू एम की है इस ट्रायंगल की, तो इसलिए हम लिख देंगे क्या, क्यू एम लिख दिया। इक्वल टू में क्या है, ए सी अपॉन P
पी आर, इसको दे देंगे कि नंबर टू। क्लियर है। अब जो हमें ट्रायंगल प्रूव करनी है उसको यहां कर देते हैं। कौन सी ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड और कौन सी पी क्यू एम, पी क्यू एम ट्रायंगल लिखना भूल गए, ट्रायंगल पी क्यू एम इसको करते हैं जी। चलिए जी करते हैं। एक बात तो इसके अंदर क्या है कि एंगल बी इज इक्वल टू क्यू, कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। अरे क्यों है बताया तो अभी है ना, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनसे बनने वाला एंगल जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। यानी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू किसके द्वारा जी, फ्रॉम वन। क्लियर है। अब एक चीज और क्या कि हमने टू के अंदर प्रूव किया है कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी डी अपॉन क्यू एम के, बी डी अपॉन क्यू एम के, यानी ये साइड और ये साइड का रेशो, इस साइड का और इस साइड का रेशो क्या है, इक्वल है जी। ये दो चीज देखो है ना कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल किसके है, बी डी अपॉन क्यू एम के फ्रॉम टू है ना। अब देखिए ये दो साइड का रेशो हो गया और इनसे बनने वाला एंगल हो गया, ये दो साइड हो गई और इनसे बनने वाला एंगल भी हो गया, तो यानी क्या कह देंगे बाय एस ए एस हमारी जो ट्रायंगल है कौन सी ए बी डी, ए बी डी वो सिमिलर हो गई किसके, ट्रायंगल पी क्यू एम के सिमिलर हो गई। इन ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे जी। बहुत बढ़िया। यानी ए बी का पी क्यू के साथ, बहुत बढ़िया, बी डी का किसके साथ क्यू एम के साथ, बहुत बढ़िया जी, और क्या ए डी का किसके साथ पी एम के साथ, हमें क्या चाहिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, यानी ये वाला भी इसके इक्वल है, यानी ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल किसके ए डी अपॉन पी एम के, यही चीज हमें प्रूव करनी थी। ये हो गया जी हैंक्स प्रूव। दोस्तों यहाँ खत्म हुई अपनी कौन सी एक्सरसाइज 6.3। आई होप सबको समझ में आ गई होगी। जो कुछ भी डाउट रहे हैं इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हर वीडियो को चैनल के ऊपर मिल जाएगी, नीचे कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है, सब क्वेश्चन में आ रहा है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।